हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, इस समय शादियों का सीजन है। जब शादी होती है तो एक लड़की बहुत ज्यादा परेशान रहती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है कि क्या करे और क्या ना करे। इतना कुछ होता है करने के लिए, इतना कुछ होता है खरीदने के लिए, इतनी सारी चीजें होती हैं जिसकी तैयारी इसको करनी पड़ती है। सो इन सब चीजों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी तैयारी एक ब्राइडल को अपनी शादी से कुछ महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए। उन चीजों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। कौन सी है वो चीजें, करेंगे इसी बारे में बात। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा, आप देख रहे हैं तिल टॉक। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो इसे शेयर भी करें। दोस्तों, कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान आपको शादी से पहले कर लेना चाहिए, जिसकी तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए? उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये, आपको शादी पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, किन चीज़ों की शॉपिंग करनी है, किन चीज़ों की शॉपिंग नहीं करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब की लिस्ट आप शादी से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले बनाना शुरू कर दीजिए। और मेक श्योर वो लिस्ट हमेशा अपने मोबाइल के नोटपैड में बनाए, क्योंकि अगर पेपर में बना दिया तो पेपर खोने का डर लगा रहेगा और वो पेपर खो ही जाएगा शादी आते आते। सो मोबाइल में वो लिस्ट एक जगह पर हमेशा सेफ रहेगी, आपके पास रहेगी, और 2 महीने पहले आपको शादी का कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो वो लिस्ट बनाएंगे तो आप कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं। और जब भी आपकी माइंड में कभी भी कोई और चीज़ क्लिक हो जाए कि यार ये चीज़ भी खरीदनी है, तो तुरंत आप मोबाइल में उस चीज़ को लिख सकते हैं एक ही जगह पर। सो ये काम करना ना भूलें, ये लिस्ट बनाना मोबाइल में ना भूलें। दूसरा पॉइंट, साड़ी बांधने की प्रैक्टिस आप 1 महीने पहले ही कर लें। साड़ी कैसे बांधते हैं इसके ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बहुत सारे। अपनी मदर की कोई भी साड़ी लेकर आप उसकी प्रैक्टिस करती रहें, ताकि जब शादी हो तो शादी के बाद अब जब भी साड़ी बांधे तो आप किसी पर डिपेंड ना हो, आपकी हेल्प के लिए आप डिपेंड ना हो किसी साड़ी बंधवाने के लिए, और आप खुद अच्छी साड़ी बांध पाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर आप वो लड़की हैं जिसको मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप बेसिक मेकअप करना जरूर सीख लें, क्योंकि शादी के बाद थोड़ा बहुत मेकअप आपको करना ही पड़ता है, करना भी चाहिए, अच्छा लगता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको लिपस्टिक तक अप्लाई करनी नहीं आती, तो एटलीस्ट आप बेसिक मेकअप करना सीख लीजिए। बेसिक मेकअप में क्या आता है, बस आपका बेस कैसे बनाते हैं, लिपस्टिक लगाना, आईलाइनर लगाना, आई शेडो लगाना, बस ये एक दो चीज़ें होती हैं। इसकी प्रैक्टिस आप पहले से कर लीजिए, ताकि शादी के बाद आप रेडी हो तो किसी पर डिपेंड ना हो कि कोई आकर आपका मेकअप करते, आपको तैयार करते। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगर आपकी मैरिज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर इस 4 महीने के बीच में है, इन 4 मंथ में है, तो आप अपनी विंटर की शॉपिंग जरूर कर लीजिए। शादी के टाइम पर अक्सर लड़कियां इतना बिजी हो जाती हैं, वो उनको ध्यान ही नहीं रहता कि विंटर का सीजन है और उनको विंटर की शॉपिंग की भी जरूरत पड़ेगी। वो विंटर की शॉपिंग अवॉइड करती हैं, तो ये ना करें, क्योंकि शादी के टाइम पर आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप अच्छे दिखे, प्रेजेंटेबल दिखें, और इतनी सर्दी में आपको जरूरत पड़ती है काफ़ी सारे वुलन के कपड़ों की। और जो आपके रिलेटिव खरीद के लेकर आते हैं, वो नॉर्मली साड़ी या सूट ही गिफ्ट आते हैं, उसमें वुलन के कपड़े आपको गिफ्ट में नहीं आते। सो वुलन की शॉपिंग करें। वुलन की शॉपिंग में कम से कम एक ओवरकोट जरूर खरीदें, क्योंकि ओवरकोट या फिर ब्लेजर आपका साड़ी पर भी अच्छा लगता है, सूट पर भी और जींस पर भी। इसके अलावा 2 अच्छे से स्वेटर जरूर खरीद लें रेगुलर वियर के हिसाब से, और एक तो कुर्ते जरूर खरीद लें घर में पहनने के लिए, जो वुलन के हों। सो ये चीजें आप जरूर खरीदें अगर आपकी शादी इस विंटर सीजन में है तो। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, शादी के बाद एक रस्म होती है जहाँ पर आपसे पहली रसोई बनवाई जाती है, तो उसकी तैयारी के लिए आप कुछ अच्छी सी डिशेस बनाने सीख लें और उसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब आपसे वो रसोई बनवाई जाए तो आपके खाने में वो अच्छा सा स्वाद आए और आपको बनाने में कोई हेजिटेशन ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, कोरोना का टाइम है तो अपने लिए कुछ ब्यूटीफुल से मास्क जरूर खरीद लें, क्योंकि आप कहीं पर भी जाएंगे आपको मास्क लगाना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप पे बहुत सारे खूबसूरत से, ब्यूटीफुल से, डिफरेंट डिफरेंट मास्क हो, ताकि आप कहीं पर जाएं तो हमेशा अलग सा लुक आए और खूबसूरत लुक आए। होप ये वीडियो आपको काम आएगी,
और आपकी शादी की टेंशन थोड़ी सी कम कर देगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। नमस्ते।